इलेट्रेशन गिवन इज फाइव पॉइंट सिक्स पेज नंबर एंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर महेश्वरी मित्तल बुक ओके अ मशीन कॉस्ट नाइन्टी थाउजेंड एंड इट्स डीम टू है स्क्रैप वैल्यू ऑफ फाइव परसेंट एट एंड ऑफ इट्स इफेक्टिव लाइफ नाइनटीन ईयरस तो कह रहा है कि जो मशीन की कॉस्ट है नाइन्टी थाउजेंड है और जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है वो फाइव परसेंट है ओके okay? और जो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है वो नाइन्टीन ईयर्स इसका मतलब ये है कि मशीन जो है ना हमारी नाइन्टीन ईयर्स वर्क की है ठीक है ऑर्डीनरीली द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर ट्वेंटी फोर हंड्रेड आर्ट्स जो मशीन के जो एक्सपेक्टेड आवर्स है ना ट्वेंटी फोर हंड्रेड्स हैं पर एन एम बट इट इज एस्टिमेटेड डेड बट ये एस्टिमेट किया जाता है कि जो वन हंड्रेड फिफ्टी आर्स हैं वो लॉस किसके लिए किया गया नॉर्मल रिपेयर्स के लिए, लिए ठीक है एंड मेंटेनेंस के लिए एंड फर्दर सेवन हंड्रेड फिफ्टी आर्स विल बी लॉस्ट ड्यू टू स्टैगरिंग और जो सेवन फिफ्टी आर्स है वो स्टैगरिंग के लिए के लिए खर्च हो गए ठीक है देन अदर डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन सॉप आर वेजेस दिए हैं रेंट एंड रेट्स जनरल लाइटिंग इंश्योरेंस कॉस्ट शॉप सुपरवाइजर पावर कंजेंशन अदर फैक्ट्री ओवर रेड्स ओके देन द सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू डिवोट वन फिफ्थ ऑफ इस टाइम फॉर सुपरवाइजिंग द मशीन कंप्यूट मशीन आर रेड फ्रॉम द डिटेल्स हमें क्या करना है मसीन आर रेट निकालना है ओके सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आइए देखिए स्टेटमेंट सोइंग कंपटीशन ऑफ मसीन आर रेट क्योंकि हमें मसीन आर रेट निकालना है ठीक है तो हमारे पास सबसे पहले पार्टिकुलर्स देन बेसिस ऑफ अपॉर्सनमेंट मतलब कि जो भी हमारे एक्सपेंसिस हैं किस तरीके से अपॉर्सन किया जाता है ठीक है देन आएगा एनुअल एक्सपेंसिस देन पर आर क्योंकि हमें पर आर का भी निकालना है ओके देन देखिए स्टैंडिंग चार्जेस रेंट एंड रेट्स किसके बेसिस पर होता है स्पेस ऑक्युपाइड मैंने पिछली वीडियो में याद करो बताया था अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसको जाके देखे मेरे दैन आपको जब ही ये समझ में आएगा ठीक है अदरवाइज समझ में नहीं आएगा तो सो प्लीज़ गो थ्रू माई प्रीवियस वीडियो ओके सो वेयर वी आर सुट वी हैव टू वट वी हैव टू स्पेस ऑक्युपाइड आएगा देन क्योंकि देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है फाइव मशीन हैं तो मुझे निकालना है एक मशीन का अच्छा हमेशा क्योंकि तो क्वेश्चन के मशीन आर रेट है तो एक मशीन का निकालना है और फाइव से तो डिवाइड कर दूंगी तो एक मशीन का आ जाएगा दैट इज़ नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी ओके देन जनरल लाइटिंग जनरल लाइटिंग भी हमारा स्पेस ऑक्यूपाइड के ऊपर होता है ठीक है देखिए जनरल लाइटिंग कितना दिया हमें फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड पर मंथ पर मंथ नहीं है दिस इज पर ईयर है ये बुक में गलत गिवन है ओके okay. सो so, हमारे पास कितना है फाइव हंड्रेड एंड फोर हंड्रेड फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड सॉरी ओके फाइव से डिवाइड कर दूँगा तो एक मशीन का आ जाएगा वन थाउजेंड एट्टी इसी तरीके से इंश्योरेंस इंश्योरेंस कितना की है मेरे पास टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव पर क्वार्टर ओके okay, देखिए हमारे पास एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं चार क्वार्टर तो मुझे क्या करना होगा चार से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि मैं पूरी साल का निकाल ली हूँ और फिर मुझे एक मशीन का निकालना है तो फाइव से डिवाइड करना होगा ओके okay. देन तो मेरे पास आंसर मिल जाएगा वन हंड्रेड एंड एट्टी ओके देन नेक्स्ट वन इज सुपरवाइजर्ड सैलरी सुपरवाइजर्स सैलरी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ मंथ दिया है क्योंकि हमें एक साल के निकालना ट्वेल्थ से मल्टीप्लाई करना होगा इस इज थर्टी थाउजेंड एंड वी एफ टू डिवाइडेड बाई फाइव टू कैलकुलेट फॉर वन मशीन इस इज़ सिक्स थाउजेंड ओके देन कम्स नेक्स्ट वन इज ऑपरेटर्स वेजेस देखिए ऑपरेटर्स वेजेस क्या कह रहे हैं दो ऑपरेटर्स की है ठीक है फॉर फाइव मशीन इन दिस था पर ईयर तो एट थाउजेंड अब देखिए बच्चे यहाँ पे वन फिफ्थ का मतलब ये नहीं एक मशीन का क्योंकि वो क्वेश्चन में, तो में की वन है कि सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड वोट वन फिफ्थ ऑफिस टाइम फॉर सुपरवाइजिंग मशीन तो इसलिए यहाँ पे वन फिफ्थ से डिवाइड किया है क्वेश्चन में की बनता है ना वन फिफ्थ इसलिए वन फिफ से डिवाइड किया है ये तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्सटीन हंड्रेड देन नेक्स्ट वन इज़ फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड हेड हमारे पास कितने की बन है फोर थाउजेंड पर एन एम ओके डिवाइड कर दूँगी तो एट हंड्रेड आ जाएगा फाइव से देन नेक्स्ट वन इज़ पावर जो हमारे पास वेरिएबल एक्सपेंसिस हैं ओके पावर कैसे निकलती है नंबर ऑफ़ यूनिट्स होनी चाहिए हमारे पास इफेक्टिव वर्किंग आवर्स होने चाहिए तो हमारी पावर निकल जाएगी ओके okay. देखिए हमारे पास पावर कितनी गिवन है पावर ऑफ मशीन पर आर ट्वेंटी यूनिट्स उसका तो मतलब ये है कि हमारे पास टोटल ट्वेंटी यूनिट्स है और जो रेट है वो हमारा रुपीज टेन पर टेन यूनिट्स ओके कितनी है हमारे पास दस रुपये दस यूनिट्स के लिए दस रुपये तो बीस यूनिट्स के लिए बीस रुपये हो जाएगा ठीक है बीस यूनिट्स ओके और किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी देखिए मुझे अब यहाँ पे निकालना है इफ़ेक्टिव आर्ट्स तो इफेक्टिव आर्ट्स निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना होगा ठीक है देखिए वर्किंग नोट में हमारे पास टोटल वर्किंग आर्ट्स थे ट्वेंटी फोर हंड्रेड आर्स ओके इसमें से मेरे पास नॉर्मल रिपेयर्स में क्या खर्च हो गए वन फिफ्टी आर्स नॉर्मल स्टैगरिंग के लिए सेवन फिफ्टी आर्स ठीक है इनको प्लस करके माइनस कर दीजिए मेरे पास आ जाएंगे इफेक्टिव मशीन आर पर एन ठीक है तो इसलिए मैंने फिफ्टीन हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये आ गया मेरे पास थर्टी थाउजेंड ठीक है ओके और मैंने वन से मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक मशीन का निकालना है ठीक है और देखिए यहाँ पर पर आर दिया हुआ है तो पर आर का निकाल सकती हूँ टोटल एक्सपेंस कितने थर्टी थाउजेंड और मेरे पास जो टोटल मशीन आर निकल क्या हैं इफैक्ट फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड से मैं डिवाइड कर दूँगी तो कितना हो जाएगा ये ट्वेंटी ओके देखिए ट्वेंटी आ गया यहाँ पर ओके देन नेक्स्ट वन इज़ रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेरे पास कितना दिया हुआ है टू हंड्रेड एंड फिफ्टी पर मंथ ठीक है तो एक महीने का तो बारह से मल्टीप्लाई कर दूँगी थ्री थाउजेंड रहेगा ओके और थ्री थाउजेंड को मैं डिवाइड कर दूँगी इफेक्टिव आर्ट्स कितने फिफ्टीन हंड्रेड से तो मेरे को पर आर का निकल जाए मिल जाएगा ठीक है दो रुपये इस तरीके से डेप्रीसी ठीक है तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय वर्किंग लाइफ ओके कॉस्ट मेरे पास गिवन है नाइन्टी थाउजेंड वर्किंग स्क्रैप वैल्यू फोर्टी फाइव हंड्रेड उसका नाइन्टी थाउजेंड का फाइव परसेंट ओके एंड देन डिवाइड बाय नाइन्टीन नाइनटीन क्यों क्योंकि मेरे पास जो तो मशीन चली हमारी नाइनटीन ईयर्स है इसलिए तो यह आ जाएगा फोर्टी फाइव हंड्रेड पर एनम तो पर एनम हम इसको निकाल सकती हूँ फोर्टी फाइव हंड्रेड को डिवाइड करके इफेक्टिव वर्किंग आवर्स से तो मेरे पास मिल जाएगा थ्री रुपीज़ ओके okay? सर आप डेट मैं इनको टोटल कर लूँगी स्टैंडिंग चार्जेस का टोटल कर लिया था ठीक है स्टैंडिंग चार्जेस का टोटल कर जो मैंने किया उसको डिवाइड कर दूंगी इफेक्टिव वर्किंग आर्ट से तो मेरे को कितना मिल जाएगा ये पर आर का देखिए टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी डिवाइड बाई फिफ्टीन हंड्रेड तो सेवन पॉइंट जीरो एट ओके तो देखिए मेरे पास सेवन पॉइंट जीरो एट ही आ रहा है इस तरीके से ये टोटल किया मैंने फोर्टी एट थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी आया ठीक है उसको मैं डिवाइड कर दूँ फिफ्टीन हंड्रेड से तो थर्टी टू पॉइंट जीरो एट आ जाएगा ओके तो पेपर में भी बच्चों इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिस करते रहिए और मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन हैं और ओके देखिए नेक्स्ट पेज पर दिया हो मेरे पास क्वेश्चन लिस्टेशन फाइव पॉइंट सेवन ये बहुत ईजी है आप खुद ट्राई कीजिए इसको।, इसको इसका सॉल्यूशन भी दिखा देती हूँ मैं अगर कोई दिक्कत होती है तो सोल्यूशन से भी देख लीजिए बच्चों किसी के पास अगर बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आप इससे भी इस वीडियो को देख कर कर सकते हैं ओके सो थैंक यू फॉर टुडे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ ओके दिस इज़ द